कहते हैं कि जब से नई गवर्नमेंट फॉर्म्ड हुई है तब से इस बात की चर्चा बहुत ही ज्यादा होने लगे। ऑलरेडी इसके पहले भी इस बात की चर्चा कई बार होती रही है कि जैसा कि आप जानते होंगे कि हम भारत राज्य में किसी भी जगह पे भ्रमण करने की स्वतंत्रता, संपत्ति खरीदने की स्वतंत्रता, नौकरी पाने की स्वतंत्रता या अधिकार हमारा एक फंडामेंटल राइट होता है। लेकिन क्या दोस्तों आप जानते हैं कि एक ऐसा राज्य जहां पे हमारी ये सारी अधिकार, सारे फंडामेंटल राइट्स को वंचित कर दिया जाता है या अवॉइड कर दिया जाता है? जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ आर्टिकल 35 ए और आर्टिकल 370 को डिस्कस करूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो पे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टारगेट अभिषेक। चलो दोस्तों शुरू करते हैं और आसान भाषा में समझाते हैं पूरे इस बात को। सबसे पहले जैसा कि आप स्लाइड पे इस टाइम देख पा रहे होंगे आर्टिकल 35 ए के बारे में, फ्रेंड्स यहां से हम देख लेंगे कि जैसा कि आप स्लाइड देख रहे हैं आर्टिकल 35 ए विवाद हुआ कैसे, इसमें होता क्या है, स्पेशल प्रोविजन के थ्रू दिया क्या गया है। अनुच्छेद 35 ए जम्मू कश्मीर विधानमंडल को यह अधिकार देता है कि वह राज्य के अस्थायी नागरिक की परिभाषा का निर्धारण करे या निर्धारित करे। सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों के विशेष अधिकार और सुविधा, राज्य में संपत्ति के अधिग्रहण, छात्रवृत्ति और अन्य सार्वजनिक सहायता प्राप्त हो सके। अनुच्छेद 34 ए जम्मू कश्मीर के लिए एक स्पेशल उपबंध करने के लिए धारा या अनुच्छेद 370 के एकमात्र के रूप में जोड़ा गया है। फ्रेंड्स अगला पॉइंट है, इसमें अनुच्छेद 335 ए में यह अनिवार्य किया गया है कि इसके अंतर्गत आने वाले विधायिका का कोई भी अधिनियम, संविधान या किसी अन्य कानून का उल्लंघन करने के लिए चुनौती नहीं दी जा सकती। फ्रेंड्स ये आपने देखा स्पेशल प्रोविजन, ये जो विवाद का विषय है इस पे, इसके बारे में आगे मैं इसमें डिस्कस कर लेता हूँ कि अनुच्छेद 35 ए किस प्रकार प्रभाव में आया, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 35 ए के बारे में बहुत ज्यादा जानना, डिटेल्स में जानना ये ज्यादा वो नहीं होगा, रेलिवेंट एग्जाम टू पॉइंट आपको जरूर जानना होगा। यहां से मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आर्टिकल 35 ए अस्तित्व में आने तथा संविधान में सम्मिलित होने की कहानी इस प्रकार है। जवाहरलाल नेहरू मंत्रिमंडल के परामर्श पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के आदेश के अनुसार अनुच्छेद 35 ए 1954 में संविधान में सम्मिलित किया गया। 1952 में जवाहरलाल नेहरू तथा शेख अब्दुल्ला के बीच में समझौता है जिसे दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। इससे भी रिलेवेंट क्वेश्चन करके, रिलेट करके क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इस समझौते में निम्नलिखित प्रावधान किए गए, प्रावधान भी आपको यहाँ से देख लेना है, ठीक है, कि जम्मू कश्मीर के संदर्भ में नागरिकता राज्य सूची की विषय होगी। किसकी विषय होगी? राज्य सूची की विषय होगी। इसी प्रावधान को संविधान दर्जा देने के लिए 1954 में राष्ट्रपति के आदेश से इसको सम्मिलित किया गया था। जैसे आपका राष्ट्रपति द्वारा यह आदेश आर्टिकल 371 के फर्स्ट के क में के अंतर्गत जारी किया गया था। यह प्रावधान जम्मू कश्मीर के राज्य विषयों के लाभ के लिए संविधान में कुछ अपवाद और संशोधन करने का अधिकार राष्ट्रपति को देता है, ठीक है, इसमें कुछ अमेंडमेंट किया जा सकता है राष्ट्रपति जी के द्वारा आर्टिकल। इसीलिए अनुच्छेद 35 को संविधान में जम्मू कश्मीर के अस्थायी निवासियों को दिए गए विशेष अधिकार के रूप में, साक्ष के रूप में संविधान में जोड़ा गया। कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें मैं आपको बता देना चाहूंगा। देखो फ्रेंड्स, ये आर्टिकल जैसे करंट से भी जितने भी मुद्दे होते हैं उसे रिलेटेड करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ आर्टिकल 370, जिसकी मेन लाइन आपको ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप स्लाइड में इस टाइम देख पा रहे होंगे। फ्रेंड्स यहां से आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध, यही हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है, इसलिए बार बार इस धारा को, इस अनुच्छेद को हटाने की मांग की जा रही है और लगातार हो भी रही है, और हो सकता है इन फ्यूचर कुछ इस पे स्पेशल प्रोविजन या अमेंडमेंट किया जाए, क्योंकि ये चीज आपको दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें लीगल पहले से ही कर दिया गया अस्थायी उपबंध है, ठीक है। इसमें क ख ग घ चार पॉइंट है, इसको आपको पढ़ लेना इम्पोर्टेंट है, मैं आपको स्लाइड में दे रहा हूँ। इसमें दे रखा है कि आर्टिकल 238 के उपबंध जम्मू कश्मीर के राज्य के संबंध में लागू नहीं होंगे। यहाँ स्लाइड पे 238 आपका आर्टिकल भी दे रहा हूँ मैं, इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। ग घ इन दोनों को भी पढ़ लेना। फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट ये है कि इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को, जैसा कि आप जानते होंगे कि जब इंडिया डिवाइडेड हुई थी उसके बाद जम्मू कश्मीर हमारा एक अभिन्न अंग नहीं था। हरि सिंह उस टाइम के आपके राजा हुआ करते थे वहां के जम्मू कश्मीर के। फिर कुछ दिनों बाद जब अटैक होता है पाकिस्तान के द्वारा, तो यहाँ पे दो टाइप्स के एग्रीमेंट किया जाता है। हरि सिंह जब आप स्थिति में, असमंजस की स्थिति में होते हैं, तो इन्होंने इंडिया गवर्नमेंट के थ्रू, भारत सरकार के थ्रू दो साइन करते हैं। ये साइन ट्रीटी भी आपसे कई बार पूछी जा चुकी है।
फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैंने ट्रीटी का नाम लिया वो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे सिग्नेचर तो फाइनली हरि सिंह के द्वारा हो गया था, लेकिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर पे इसमें लेके काफी विवाद तभी से स्टार्ट हो गया और आज तक भी जम्मू कश्मीर को स्पेशल प्रोविजन का दर्जा लगातार मिला हुआ है और भारत के बहुत सारे नागरिकों, अन्य राज्य के जो नागरिक है उनको कुछ अधिकार, जैसे कि अगर किसी भी उस राज्य में हम किसी अन्य राज्य का जो भी नागरिक होता है वो कोई चल या अचल संपत्ति नहीं खरीद सकता, वहां का स्थायी निवासी नहीं हो सकता, ये केवल राइट्स मिले वहां के नागरिकों को। एक और उपबंध है, जैसे ये ऑप्शन के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि यदि कोई पुरुष वहां पे किसी दूसरे राज्य की महिला से विवाह करता है तो ऐसे प्रोविजन में क्या होगा, तो जो महिला होगी उसको वहां पे उसकी अस्थायी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, उसकी अस्थायी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। अगर कोई महिला वहां से शादी करती है तो उस राज्य में जो पुरुष होगा उस राज्य के अस्थायी निवासी बन जाएगा। कुछ ऐसे बहुत सारे प्रोविजन थे जो इसमें दिए गए हैं, मैं आपको स्लाइड बाय स्लाइड आपको कंटिन्यू दिखा भी रहा हूँ, यहाँ पे आप देख पा भी रहे हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम से रिलेटेड। फ्रेंड्स इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो बहुत बड़ी है, जिसको जो क्वेश्चन एग्जाम रिलेवेंट था मैंने आपको टॉपिक पॉइंट वाइज के थ्रू सारी चीज बता दी हूँ। आई थिंक आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पे न्यू व्यूवर्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट और कंटिन्यू वीडियो आपको आसानी से और सबसे पहले मिलता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।